फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उसके प्रिपरेशन की, उसकी प्रॉपर्टीज की एंड उसके यूजेस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज फॉर्म टूगेदर विद अ लिटिल सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन सल्फर इज बर्न इन एयर और ऑक्सीजन। तो जब आप सल्फर को ऑक्सीजन में प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या होगा, आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड भी कुछ अमाउंट में फॉर्म होगा, लाइक 6 to 8%, और साथ में हमारा यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी फॉर्म होगा। लैब के अंदर आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सल्फाइट है उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। तो जब सल्फाइट हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, वॉटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियली इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। तो आपके जो ये जैसे सल्फाइड का ओर लिया आपने, जैसे Fe(S)2, और इसको आपने क्या किया यहाँ पे, इसको आपने आयरन पाइराइट को रोस्ट किया यहाँ पे, तो फिर आपका क्या बना, Fe2O3 प्लस SO2। और जो ये गैस है हमारी, इसको क्या किया गया, पहले इसको ड्राई किया गया, उसके बाद इसको लिक्विफाई किया गया अंडर दी हाई प्रेशर, एंड फिर उसको फर्दर स्टील सिलेंडर के अंदर स्टोर किया गया। तो इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ दी सल्फर डाइऑक्साइड। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सल्फर डाइऑक्साइड हमारी एक कलरलेस गैस है, इसकी स्मेल भी बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल है, एंड इट इज हाईली सोल्यूबल इन वॉटर। तो ये हमारी वॉटर में भी काफी ज्यादा सोल्यूबल हो गई, और ये हमारी लिक्विफाई करती है एट रूम टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ अराउंड 2 atmosphere, एंड ये बॉइल करती है एट 263 Kelvin। जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वॉटर के थ्रू पास करोगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज H2SO3। और जो ये हमारी SO2 है, इट रिएक्ट्स विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाती है यहाँ पे, सोडियम सल्फाइट। और ये जो सोडियम सल्फाइट है फिर फर्दर हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड और फर्दर हमारा साथ में SO2 होता है, और एक्स्ट्रा मतलब कि यहाँ पे हमारा जो सल्फाइट फॉर्म हुआ वो हमारे और SO2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा NaHSO3, दैट इज दी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। इन इट्स रिएक्शन विद वाटर एंड अल्कलीज, जो इसका बिहेवियर होता है हमारे सल्फर डाइऑक्साइड का, इट्स जस्ट लाइक दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो लाइक CO2, जो हमारा ये SO2 है, ये भी वाटर को क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, एंड दिस अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम सल्फाइड। जैसे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको SO2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर, और इसका क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो है सॉल्यूशन वो मिल्कीनेस शो करेगा। और अब क्या होगा कि अगर SO2 को और टाइम के लिए पास करते रहेंगे तो मिल्कीनेस जो है वो हमारी डिसअपियर हो जाएगी। तो जैसे हमने CSO3 लिया और इसमें फर्दर हमने और SO2 को पास किया तो क्या हुआ हमारा, क्या बनेगा, कैल्शियम बाइसल्फाइड, और इसकी वजह ये हमारा सोल्यूबल होता है, इस वजह से हमारी जो कलर है मिल्कीनेस है वो क्या हो जाएगा, इट विल डिसअपियर, और साथ में यह हमारा वाटर जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी ये रिएक्ट करती है विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द चारकोल, एंड चारकोल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और हमें क्या मिलता है यहाँ पे, SO2Cl2। और जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारी, ये क्या करती है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू द सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ द वेनेडियम ऑक्साइड कैटलिस्ट। तो SO2 को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेते हैं, और इसको क्या होता है कि V2O5 की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीजन से पास करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा SO2 into SO3। When moist sulfur dioxide, it behaves as a reducing agent. तो हमारी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है। जैसे Fe3+ जो है हमारा, इसको ये कन्वर्ट करती है इनटू Fe2+, और जो हमारा यहाँ पे परमैंगनेट है, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन,
इसको ये डीकलराइज कर देती है. तो इस तरीके से इसको एज अ टेस्ट हम यूज कर सकते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ द गैस कि अगर हमारा परमैंगनेट सॉल्यूशन जो है एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है वो अगर हमारा डीकलराइज हो गया उसका कलर चला गया तो इसका मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट है यहाँ पे SO2 गैस. तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा SO2 जो है वो परमैंगनेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू Mn2+. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी जो प्लस सेवन से प्लस टू में हो गया मतलब इसको इसने रिड्यूस किया और खुद ये यहाँ पे सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो गया. तो इस तरीके से ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. अब जो हमारा मॉलिक्यूल है SO2 का वो एंगुलर है एंड इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू स्ट्रक्चर्स. तो जैसे यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेंड स्ट्रक्चर है और ये इसका इस तरीके से रेजोनेंस फॉर्म है. अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की. सो इट इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम एंड शुगर. इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ द वूल एंड सिल्क. इट इज यूज्ड फॉर द एंटी क्लोर. इट इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एज अ प्रिजर्वेटिव. तो एंटी क्लोर का मतलब क्या हुआ कि इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द एक्सेस ऑफ सीएल2 फ्रॉम द आर्टिकल्स दैट हैव बीन ब्लीच्ड. तो जो ब्लीच्ड आर्टिकल्स है उससे एक्सेस सीएल2 को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है. एंड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये सब हमारे मैन्युफैक्चर होते हैं यूजिंग द सल्फर डाइऑक्साइड. और SO2 की तरह लिक्विड मतलब हमारा जो लिक्विड SO2 है ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है सो एज टू डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स. तो सब ऑलमोस्ट काफी केमिकल्स जैसे कि हमारे जो भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं या इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसके लिए ऐसे ये सॉल्वेंट काम करता है. So this was all about the sulfur dioxide, its properties, its preparation and its uses. Thank you.